बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन मुसल्लियन एन ए खान रिसर्च सोसाइटी से हाजिर खिदमत है आपका भाई मुफ्ती नज़ीर अहमद ख़ान। शब बरात नाम बताता है कि अजीम रात है। आज की रात गुनाहों से पाक होने की रात है, मग़फ़िरत की रात है, रहमत की रात है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की वो मशहूर हदीस कि अल्लाह ताला इस रात को आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाते हैं, इन्हें अल्लाह की रहमत इंतहाई जोश में होती है, इन बंदों के इंतहाई करीब होती है और इस उम्मत के अल्लाह लातेदाद गुनाहगारों की मग़फ़िरत करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, बनू कल्ब की बकरियों के जिस्मों पे जितने बाल हैं उन बालों से भी ज़्यादा अल्लाह ताला आज की रात उम्मत के गुनाहगारों की मग़फ़िरत कर देता है। लेकिन अहादीस सहीहा मैंने जमा की हैं, अहादीस ज़ईफ़ा नहीं। कुछ अहादीस ऐसी हैं कि जो बताती हैं कि कुछ लोग हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत नहीं करता, और ये उमूमन वो लोग हैं कि जिनका मुआमला बंदों के साथ अच्छा नहीं है। जो बंदों पे मेहरबान नहीं, अल्लाह आज की रात उन पे मेहरबान नहीं। सहीहुल जामे हदीस की किताब है, अहादीस सहीहा को जमा किया है इसमें, सहीहुल जामे में, उसमें हजरत कसीर बिन मुर्रा हजरमी वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान यग़फिरुल्लाह लिअहलि अल-अर्ज़ इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिनिन, कि 15 शाबान की रात को अल्लाह ताला तमाम ज़मीन वालों की अल्लाह मग़फ़िरत कर देता है सिवाय गैर मुस्लिम के और सिवाय उस शख्स के जो दिल में दूसरों के लिए दुश्मनी रखता हो, हक़द हक़्द बुग़्ज़ रखता हो, दूसरों के लिए हसद रखता हो, उनकी मग़फ़िरत नहीं होगी। इसी तरह सहीहुल जामे ही की रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन्ना अल्लाह यतला अला इबादिही फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान फयग़फिर लिलमुस्तग़फिरीन व यरहम अलमुस्तरहिमीन व युअख्खिर अहलल हिक्त कमा हु। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और इस रात को अल्लाह ताला ज़ुहूर फरमाता है, मग़फ़िरत मांगने वालों की अल्लाह मग़फ़िरत कर देता है, रहम मांगने वालों पर अल्लाह रहम कर देता है, लेकिन जो दिल में हसद और बुग़्ज़ रखने वाले होते हैं अल्लाह ताला उन्हें उनके हाल पे छोड़ देता है, उनकी मग़फ़िरत नहीं करता। इसी तरह हदीस हसन है, सहीहुल जामे की रिवायत, रावी है हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह ताला लयत्ला फी लैलति निस्फ मिन शाबान, अल्लाह ताला ज़ुहूर फरमाते हैं 15 शाबान की रात को, फ़यग़फिर लिजमीअ ख़ल्क़ी, अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात की मग़फ़िरत कर देता है सिवाय किसके, मुशरिक के और मुशाहिन, और सिवाय उस शख्स के जो दिल में दूसरों के लिए दुश्मनी रखता हो, नफ़रत रखता हो, बुग़्ज़ रखता हो, हसद रखता हो। इसी तरह हदीस हसन है, सहीहुल जामे की रिवायत है, रावी हैं हज़रत अबू सालबा रज़ी अल्लाह अन कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह यत्तला अला इबादिही फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान, अल्लाह ताला ज़ुहूर फरमाता है 15 शाबान की रात को, फयग़फिर लिलमोमिनीन, अल्लाह मोमिनीन की मग़फ़िरत कर देता है, व युमली अलकाफिरीन, और अल्लाह ताला काफिरों को मोहलत दे देता है, व यदउ अहलल हिक़्द बिहिक़्दिहिम हत्ता यदउ, और अल्लाह ताला बुग़्ज़ रखने वाले, हसद रखने वाले, दुश्मनी रखने वालों की मग़फ़िरत को अल्लाह ताला उनके हाल पे छोड़ देता है कि ये दिल में चूंकि बुग़्ज़ रखते हैं ये इस काबिल नहीं है कि इनकी मग़फ़िरत कर दी जाए। लिहाजा जैसे मामला हमारा बंदों के साथ वैसे ही मामला अल्लाह का हमारे साथ, हमारा जो मग़फ़िरत और रहमत की दुआ हम अल्लाह से करेंगे ये तभी मुफीद और मुअस्सर होंगी जब हम पहले बंदों को माफ़ कर दें। लिहाजा अपना दिल दूसरों के लिए साफ कर दें, अल्लाह ताला हमें गुनाहों से साफ कर देगा। लिहाजा
आज अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने का दिन है, लिहाजा इसको मग़फ़िरत की रात बनाने के लिए हम दूसरों को बख्शते हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं, और दिल से माफ़ करें, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, ताकि ये जो इस रात की अज़मत है, इस रात की जो बरकत है, अल्लाह ताला वो बरकतें हमारे नसीब करे और अल्लाह ताला आज की रात हमसे राज़ी हो जाए। ये अगर ये मकसद हमें हासिल हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमें सब कुछ मिल गया है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।